हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। मेरा नाम है कपिल गोयल। तो CUET PG को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। ऐसा जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि CUET PG ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के अप्रोच करने पर करेक्शन विंडो जो है उसको एक बार वापस से ओपन किया था कल यानी कि 29th of September को। तो वो जो करेक्शन विंडो वाला लिंक है वो ओपन हो गया था। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रॉब्लम थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ कर दी है फॉर्म भरने में, चॉइस यूनिवर्सिटी फिल जो उनने की है कम की है, या कैटेगरी में कुछ गड़बड़ हो गया, यानी कि जनरल में EWS की जगह कुछ और भर दिया, OBC की जगह SC ST, मतलब कैटेगरी में गड़बड़ हो गई, PWD वाली कैटेगरी में गड़बड़ हो गई, फादर्स नेम मदर्स नेम में गड़बड़ हो गई। तो उन सभी गड़बड़ों की जो लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने CUET को अप्रोच किया था। CUET ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस करेक्शन विंडो को वापस से ओपन कर दिया। वो करेक्शन विंडो की आज लास्ट डेट है, यानी कि 30 सितंबर रात 11:50 तक आप करेक्शन विंडो को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी एडिटेबल फील्ड है वहाँ पर जाके आप एडिट कर सकते हैं। जिन एडिटेबल फील्ड्स को जब एडिट करेंगे तो कई जगह पर आपको फ़ी प्रोवाइड फिल करने की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि यूनिवर्सिटी आपने कम ऐड की थी, अब ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऐड करनी है तो आपको उसके लिए फ़ी पे करना पड़ेगा, है ना। तो वो फ़ी का लिंक भी वहाँ पर चालू है। तो क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं इस वीडियो में वो बात करूँगा। उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो कौन कौन से फील्ड है जो आप एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपका खुद का नेम वाला जो ऑप्शन है उसमें कुछ एडिट आपको करना है तो वो कर सकते हैं। फादर्स नेम मदर्स नेम वाला ऑप्शन जो है, फादर्स और मदर्स नेम वाला ऑप्शन, वो आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है जिसमें आपने गलती से जो अपनी कैटेगरी है उसको गलत लिख दिया है तो वो आप एडिट कर सकते हैं। PWD वाला जो ऑप्शन है उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एड, ये वाली जो समस्या है बहुत सारे लोगों की थी कि जिनके मार्क्स कम आए थे या एक्सपेक्टेड मार्क्स से जिनके मार्क्स कम आए हैं और उनको एक डर था कि अब हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने यूनिवर्सिटीज़ कम लगाई है, या जो अब मिल सकती है उनको वो यूनिवर्सिटी हमने ऐड नहीं की है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो यूनिवर्सिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता हों, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है तो उनके लिए भी आज का दिन है। आज रात 11:50 तक आप ये जो करेक्शन विंडो वाला फॉर्म है, करेक्शन विंडो वाला फॉर्म लिंक है जो, इस पर जाकर और ये एडिट कर सकते हैं। ये जो तीन ऑप्शन हैं, ये वाले तीन ऑप्शन, यहाँ पर आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तो कोई फिक्स फ़ी होगी, यहाँ पर क्या होगा जितनी आप यूनिवर्सिटीज़ ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो पैसा है वो ऐड हो जाएगा और वो आपको वहाँ पर फ़ी पे करना पड़ेगा। अब कल कई बच्चों के जो क्वेश्चंस है वो ये आए थे कि जो करेक्शन विंडो है उसमें फ़ीस वाला जो लिंक है वो शो नहीं हो रहा, फीस वाला वो लिंक शो नहीं हो रहा। तो कई बार ये जो गड़बड़ है ये ब्राउज़र की गड़बड़ भी होती है ना। कई बार ये गड़बड़ ब्राउज़र वाली गड़बड़ भी हो जाती है, यानी कि कोई अगर गूगल क्रोम यूज़ कर रहा है वहाँ पर फ़ीस लिंक शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप एक बार ब्राउज़र चेंज करके देख लो, यानी कि मोज़िला के अंदर वो जो लिंक है वो ओपन करके देख लो, या वो विंडो जो करेक्शन विंडो वाला लिंक है मोज़िला के अंदर चला के देख लो तो हो सकता है वहाँ पर शो हो जाए, या कोई मोज़िला यूज़ कर रहा है तो दूसरा ब्राउज़र चेंज करके देख लो। तो ये ब्राउज़र की प्रॉब्लम होती है, कई बार ये लिंक शो नहीं होते, और इन दोनों से भी नहीं होता तो इसका मतलब थर्ड एंड पर ही जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सबके साथ ही होगा, तो उसके केस में डेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। फ़िलहाल की बात करें तो आज यानी कि 30 तारीख को लास्ट डेट है जो आप करेक्शन विंडो में जाके करेक्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के साथ ये था कि कम नंबर आए हैं अब हमारा क्या होगा, तो उनके लिए बहुत ही बहुत सुनहरा मौका है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कई लोगों के क्वेश्चन थे कि काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी। तो मैंने कल भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो कर्नाटका यूनिवर्सिटी है उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए नोटिस आया था कि उनका जो एडमिशन लिंक है PG के लिए वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी का 29th of September से स्टार्ट हो गया। इसी तरह से धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग के जो एडमिशन फॉर्म है वो निकलने चालू हो गए हैं। तो यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल साइट्स पर जाते रहिए, वहाँ पर जाकर आपको ये अपडेट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर भी मैं रेगुलर अपडेट डाल रहा हूँ, ठीक है।
फिर बात करें कि कई यूनिवर्सिटी जो कई बच्चों के क्वेश्चन थे कि इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ का एनालिसिस कीजिए, तो वो मैं कर रहा हूँ। अभी तक जो साउथ बिहार है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है और JNU है, उनके लिए मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ फॉलो करके वो लिंक को आप देख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आने वाली यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी वो हरियाणा, पंजाब, BHU और HCU, इनके मैं करने वाला हूँ। तो अगले आज या कल में वो तीनों चारों आपको मिल जाएंगे। MBA वालों के लिए ये है कि एक दो दिन में वो कर दूंगा। तो फिलहाल की जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो ये थी कि करेक्शन विंडो वाला जो काम है वो आपको आज करना है, अगर आप अभी तक नहीं किया है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके मार्क्स कम हैं, तो प्लीज़ जाके करेक्शन विंडो वाले फॉर्म लिंक को लिंक पर जाके और जो भी करेक्शन करने अपने फॉर्म में वो करेक्शन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो को अब तक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।